यूपी में 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, मुख्यमंत्री का निर्देश, राहत व बचाव कार्य तेज कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई अतिवृष्टि से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मंत्री समूह अपने प्रभार वाले मंडलों जनपदों में तत्काल दौरा कर राहत एवं बचाव के प्रयासों को और बेहतरीन बनाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री योगी ने अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने और एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जनपदीय कंट्रोल रूम को 24x7 क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से अत्यधिक बरसात से जनजीवन, पशुधन और खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। कई जनपदों में जनधन हानि की सूचना मिली है। राज्य सरकार सभी प्रभावित जनों की सुरक्षा और भरण पोषण के लिए आवश्यक प्रबंध करने को प्रतिबद्ध है। अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत संप्रदर्श तथा डूबने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दिवंगत व्यक्तियों की परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने तथा घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को तत्काल मदद पहुंचाई जाए, राहत पैकेट के वितरण में देरी ना हो, राहत शिविरों में प्रकाश आदि के पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। यह संवेदना और सहयोग का समय है, हमारी पूरी टीम को एकजुट होकर कार्य करें। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न जल जनित, मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार की आशंका होती है, साथ ही स्पर्श की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। ऐसे में राहत शिविरों का समय स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, जहां एंट्री बेनम इंजेक्शन की उपलब्धता जरूर रहे।